दोस्तों कैसे हो आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ब्रो साउंड 850 जो 2.1 चैनल के अंदर आता है, ब्लूटूथ साउंड के अंदर 200 वाट का है। तो इसकी किस टाइप की साउंड क्वालिटी है और क्या कुछ रहने वाला है, जैसे बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि बार का जो साइज है वो भी हम लोग इस वीडियो के अंदर है वो आपको बताने वाले हैं। बताने से पहले चैनल को सब्सक्राइब है वो पक्का कर लेना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है और क्या क्या क्वालिटी साउंड है, वो किस तरीके की रहने वाली है, क्या क्या प्रॉब्लम होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार फिर से बोल दूं, चैनल को सब्सक्राइब हो पक्का कर लेना क्योंकि वीडियो बनाने में काफी है वो मेहनत लगती है। तो चलिए देखते हैं अनबॉक्सिंग करके और क्या क्या हमें मिलने वाला है। तो सबसे पहले आता है इसका साउंड बार। जो काफी प्रीमियम लुक है वो देने वाला है। आप ध्यान से देखिए, मैं आपको यहाँ से पूरा का पूरा दिखाना चाहूंगा। बहुत ही शानदार है। यहाँ पे देखिए हमें कुछ बटन मिलते हैं वीडियो प्ले और पोज मोड चेंज करने के लिए, वॉल्यूम अप डाउन और नेक्स्ट करने के लिए। बाकी साउंड बार के पीछे जो पोर्ट मिलते हैं यहाँ पे देखिए, ठीक है, एक तो बास आउट के लिए है, ये डीसी पावर के लिए है, ठीक है, एक HDMI पोर्ट है, एक ऑक्स पोर्ट है और एक यहाँ पे आपको USB पोर्ट है वो मिल जाता है। और यहाँ पे दोनों साइड से है, वो कहीं पे भी दीवार पे इसको आकर वो ऐसे हैंग कर सकते हो। अब रही बात इस साउंड बार की जो लेंथ है, ऐसे लंबाई है वो कितनी रहने वाली है, वो भी हम लोग आपको इंची टेप से वो नाप के दिखाने वाले हैं। इस साउंड बार की जो लंबाई है वो करीब करीब 33 इंच है, वो इस साउंड बार की जो है लंबाई है। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि इसका साइज बताओ, साइज कितना है। और ऐसे इसकी अगर खड़ाई देखें तो खड़ाई करीब करीब 3 इंच है, ठीक है। अब आती है मेन, इसके अंदर एसेसरीज क्या आती है। यहाँ पे एक आपको रिमोट मिल जाता है अच्छा खासा, और ये पावर केबल है, ऑक्स केबल है, बाकी इसका जो मैनुअल है वो सारा इसके अंदर है। बाकी अंदर ये जो दो बॉक्स है वो सिर्फ और सिर्फ खाली है, यानी एक टाइप से बार को सपोर्ट करने के लिए डले हुए हैं। अब जो मेन बूफर है वो इस टाइप का है, वो लुक आपको देने वाला है। तो वीडियो में आप देख ही पा रहे हो किस टाइप का लुक है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पावर वाला ऑप्शन है वो देखना है, ये रहा पावर का, ठीक है, ये लगना है मेन बूफर में। तो यहाँ पे देखिए पीछे यहाँ पे बूफर कनेक्ट करने के लिए दे रखा है, ये पावर है वो बूफर में कनेक्ट होगी। ये ऑन और ऑफ का, अभी ऑफ था, हमने ऑन कर लिया है, ठीक है। इसके बाद में हमें दो पोर्ट यहाँ पे मिलता है, ठीक है, एक तो इसकी पावर का है और एक जो बूफर से इनपुट लेने वाला है वो है। तो एक हमने यहाँ पे साउंड बास आउट के लिए और एक इसको डीसी पावर देने के लिए यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो ये सिंपली है वो कनेक्ट हो चुका है। अब रहा इसका रिमोट, रिमोट में भी आप देख रहे हो क्या क्या फंक्शन है, आपको ब्लूटूथ है, मोट है, बाकी ये सारा फंक्शन है वो मिल जाता है एक रिमोट के अंदर। अभी हम लोग इसको ऑन करने वाले हैं। ऑन करने से पहले जो इसका मेन बास है इसकी क्या लंबाई और चौड़ाई रहने वाली है, देखिए यहाँ पे इसकी करीब करीब 7 इंच आप मान के चलो, थोड़ी सी कम है 7 इंच से, पर 7 इंच के आसपास है। और इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट रहने वाली है करीब करीब 14 इंच, और ऐसे पीछे से लंबाई की बात करें तो 1 फुट के आसपास है वो इसकी इस टाइप से लंबाई है, ठीक है। अब इसको पावर ऑन करके हम लोग ऑन करने वाले हैं और देखने वाले हैं साउंड क्वालिटी है। उसके बाद में हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो जो मेविक वाला 350 वाट वाला था, और इसके बीच में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं कि बेटर साउंड क्वालिटी किसकी है। जैसे बोट के हिसाब से आप देखो क्वालिटी है वो मेविक वाले की ही रहेगी, जो 350 वाट है और ये 200 वाट है, बट की जो प्रीमियम क्वालिटी है वो हम लोग टेस्ट करने वाले हैं, न कि ज्यादा शोर या बोट के हिसाब से कि साउंड क्वालिटी किसकी ज्यादा प्रीमियम है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाने वाले कंपैरिजन करते हैं। तो अभी इसका हम लोग रिव्यू देखते हैं किस टाइप की साउंड क्वालिटी। तो यहाँ पे देखिए पावर ऑन करने के बाद में यहाँ पे हमें कोई भी डिस्प्ले है वो एक्स्ट्रा नहीं मिल रही है, जबकि हमें मेवी वाले के 350 वाट वाले में एक्स्ट्रा डिस्प्ले है वो मिल रही थी। हमें यहाँ पे बार पे है वो डिस्प्ले मिल रही है छोटी सी, मैं आपको जूम करके दिखा दूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बार के अंदर वो एक छोटी सी डिस्प्ले मिल रही है, जैसे हम लोग रिमोट से कोई भी मोड चेंज करेंगे या वॉल्यूम अप डाउन करेंगे तो यहाँ पे वो शो करेगा छोटी वाली डिस्प्ले के अंदर, ठीक है। अब हम लोग इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो टेस्ट करने वाले हैं कि किस टाइप का इसका साउंड है। चलिए देखते हैं। We'll be right back.
बहुत ज्यादा बेटर साउंड क्वालिटी नहीं है, नॉर्मल है, बट साउंड जो भी जितना भी बज रहा है उसकी जो क्लियरनेस है वो बहुत ही अच्छी है। डॉल्बी ऑडियो नहीं है इसके अंदर, मीडियम साइज की आवाज है। अगर आप खरीदना चाहते हो तो बाई कर सकते हो, बट ये नहीं कि मेविक वाला और इससे कंपैरिजन करेंगे, बट आपको इस वीडियो में इस आवाज से ही पता चल गया होगा कि उसके और इसके बीच में कंपैरिजन है वो नए के बराबर है। बाकी चीज अच्छी है, साउंड है वो एकदम क्लियरनेस है, डॉल्बी टाइप का नहीं है कि आपको एक साउंड है वो अलग से सुनाई दे डॉल्बी की तरह, तो वैसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है। बट आवाज जो भी है जितनी भी है वो आपको एकदम क्लियरनेस है वो सुनाई देगी। जैसे साउंड में किसी भी टाइप का जैसे साउंड ज्यादा बेस है वो फटता है, इस टाइप की कोई भी शिकायत है इसलिए नहीं है। चीज अच्छी है इस बजट के अंदर। आप खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। और आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नए कोई नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, धन्यवाद दोस्तों।